हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका एल एन मिश्रा पटना का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। तो कहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसमें google.com ओपन करना है, उसमें टाइप करना है एल एन मिश्रा पटना टू एडमिशन 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पर आपको एल एन मिश्रा पटना से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपके यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IAS पेपर.in एल एन मिश्रा पटना एडमिशन 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका एल एन मिश्रा पटना एडमिशन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्ट, कोर्स, हाइजेस, क्वालिफिकेशन, गेट भी कौन सी पे क्लिक करना है। इसे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू एल एन मिश्रा पटना से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिस देखना चाहें तो आप यहाँ पे नोटिस भी चेक कर सकते हैं। तो एल एन मिश्रा पटना का इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है नोटिस में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है वो आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं UPES लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, NDIT यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के टोटल 5 रीज़न मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन जरूर लें। सपोज डेट आप कहीं भी अपने आसपास के किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो क्या होगा, आपको आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पे आएंगे। क्या अलग स्टेट से भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन ये इंडिया का टॉप 6 यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो आपका इससे क्या होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, माइंड एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा। तो आपको यहाँ पर बहुत प्रॉफिट बनने वाला है। तो आपको यहाँ पर एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो जरूर एडमिशन लेती। आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके सीधा आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेने हैं एंड एडमिशन ले लेना है। तो आपको यहाँ पे एल एन मिश्रा पटना एडमिशन जो है वो स्टार्ट है। तो आपको क्लिक किया टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज फॉर UG एंड PG कोर्सेज के लिए क्लिक किया टू चेक। अगर आप अप्लाई UG कोर्स के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप PG कोर्स के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो अगर मुझे UG कोर्स के लिए करना है तो यहाँ पे क्लिक किया टू करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करके सबमिट कर देना। अगर पहले आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो, अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स अपने दे देने हैं। कोर्स अप्लाइड, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कैटेगरी अपनी बता देनी है, कौन सी कैटेगरी है, जनरल OBC ST SC, कास्ट अपना बता देना है। यहाँ पे इज पर्सन हैव डिसेबिलिटी है तो अगर यस करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो आपको बताना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है अगर है तो। आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम, क्या आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका, डे यहाँ पे बता देना है, मंथ बता देना है, ईयर बता देना है आपको कौन सा ईयर में आपने आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको, मतलब मैरिड है यहाँ पे, अनमैरिड है, सिंगल है। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको बता देना है, यहाँ पे मदर का नाम, जो भी आपकी मदर का नाम है वो मदर का फुल नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको फादर का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जेंडर बता देना है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी हैं वो आपको यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम लिखना है, सपोज नेम, एंड यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, एड्रेस जो भी होगा आपको वो बता देना है, अपना फुल एड्रेस बताना है। यहाँ पे सिटी कौन सी है वो, पिन कोड एंड स्ट्रीट कौन सा है, कौन सी स्ट्रीट में आप रहते हैं वो बता देना है। और यहाँ पे आपको, अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको यही परमानेंट एड्रेस है तो वो फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताना है, आपको अपना एसटी एसटडी नंबर एंड फ़ोन नंबर बता सकते हैं अगर आपके पास है तो।
मोबाइल नंबर तो आपको डेफिनेटली बताना ही है, आपके पास तो होगा ही। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको बता देनी है, पेरेंट्स ईमेल मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एंड यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स देना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको 10th का 12th का एंड अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने कुछ किया है तो वो भी बता सकते हैं उसका। यहाँ पे स्ट्रीम बतानी है, साइंस थी, आर्ट थी, कॉमर्स थी, जो भी बताए वो था बता देना है आपको। 10th का बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम, आपने किस ईयर में पास किया, आपने आपको कितने परसेंटेज मिले थे, और क्लास में आपने क्या क्लास या फिर डिवीज़न बता सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा एंड फुल नेम, आपका जेंडर यहाँ पे बताया गया है, आप डेट ऑफ बर्थ आपने जो किया था वो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। एंड यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिकल सर्टिफिकेट, यानी कि स्टेट आपका कौन से स्टेट में रहते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट करना है अपलोड। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करके आपको अपना ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ अपलोड करने के बाद होगा, क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करके आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पेमेंट कर लेना है। पेमेंट किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी के भी थ्रू पेमेंट कर लेना है। तो उसके बाद आपका अपना एप्लीकेशन नंबर, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो ऐसे ही करना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।